क्या हर क्वेश्चन में आपको रोमैन के फाइट करना रोमैन थोर से तो कौन होगा इस फाइट के विनर। ये दोनों ही अपनी अपनी यूनिवर्स के बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में रैंक करते हैं और ये दोनों बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं और आज की बैटल बहुत धांसू होगी। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब फैमिली का बन जाओ। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं दोनों के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। तो पहले बात करते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की और जानते हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं और कितना ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन नॉर्मल सुपरमैन से कहीं ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को बीट कराया फाइट में और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की जो स्ट्रेंथ है बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग है। कॉस्मिक आर्मर की एक मोटर लाइटर में तो कोई बंदा कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को नहीं कर सकता है फाइट में और इसी एबिलिटी के थ्रू कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की स्पीड नॉर्मल सुपरमैन की स्पीड से कहीं ज्यादा फास्ट है और ये लाइट की स्पीड ट्रैवल भी कर सकता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन माइंड कंट्रोल भी कर सकता है और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इसी एबिलिटी के थ्रू बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बन जाता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की बहुत ही स्पेशल एबिलिटी है और ये किसी भी पावर के बारे में सोचता है तो वो पावर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास फौरन आ जाती है और इस एबिलिटी के थ्रू कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बहुत ही पावरफुल हो जाता है और इसे पंगा लेना थोड़ा मुश्किल जरूर पड़ेगा। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग है और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को भी किल कर चुका है फाइट में, यहाँ तक कि एक ही स्ट्राइक ओपोनेंट्स के दो टुकड़े भी कर सकता है। और कॉस्मिक आर्मर के सुपरमैन की जो फाइटिंग स्किल्स हैं बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव कर लिया था और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की जो बॉडी है बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन डैमेज कंट्रोल भी कर सकता है, किसी भी डायमेंशन का पोर्टल में कर सकता है और किसी भी डिफरेंट यूनिवर्स में जा सकता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन फ्यूचर पास्ट दोनों एक साथ देख सकता है और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग लेजर अटैक भी कर सकता है और उसका एक ही स्ट्राइक काफी होता है किसी को भी किल करने के लिए। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन किसी की पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है और ये एबिलिटी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के बहुत ही काम आती है बैटल में। और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का स्टेमिना बहुत ज्यादा है और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइटिंग कर सकता है और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का जो स्टेमिना है बहुत ही हाई लेवल का है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की हीलिंग पावर बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने बहुत ही बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर लिया है अपने हीलिंग फैक्टर के थ्रू और ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है डीसी यूनिवर्स का। तो ये थी कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की। तो अब बात कर लेते हैं रोमैन थोर की और जानते हैं रोमैन थोर के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं और ये कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को डिफीट कर सकता है फाइट में या फिर नहीं। रोमैन थोर थोर की एक बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग वर्जन है और इस फॉर्म में थोर बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। रोमैन थोर की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। रोमैन थोर ने शैडो गॉड्स को भी बहुत ही चटा कर दी थी फाइट में और यही नहीं रोमैन थोर ने बहुत ही पावरफुल बींग्स को डिफीट भी कराया फाइट में और रोमैन थोर की जो स्ट्रेंथ है बहुत ही पावरफुल है। रोमैन थोर किसी का माइंड कंट्रोल कर सकता है और उसे अपना गुलाम बना सकता है और रोमैन थोर बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग लाइन अटैक भी कर सकता है और उसका एक ही स्ट्राइक बड़ी से बड़ी आर्मी को खत्म करने के लिए काफी है। रोमैन थोर की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग है और रोमैन थोर ने पता नहीं कितने पावरफुल स्ट्रॉन्ग बींग्स को डिफीट भी कराया है कॉमिक में और रोमैन थोर की जो फाइटिंग स्किल्स है बहुत ही पावरफुल हैं। रोमैन थोर का स्टेमिना बहुत ही ज्यादा है और रोमैन थोर नॉन स्टॉप फाइटिंग कर सकता है और रोमैन थोर अपने स्टेमिना को बूस्ट भी कर सकता है। रोमैन थोर का जो स्टेमिना है बहुत ही हाई लेवल का है। रोमैन थोर के पास बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग वेपन है और इस वेपन की हेल्प से रोमैन थोर ने बहुत सी बैटल जीती हैं और इस वेपन का एक स्ट्राइक प्लेनेट्स को भी खत्म करने की कैपेसिटी रखता है और इस वेपन से रोमैन थोर बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। रोमैन थोर की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है और रोमैन थोर ने बहुत ही पावरफुल लोगों के अटैक्स को अपनी बॉडी पर सर्वाइव भी कर लिया था और रोमैन थोर की जो बॉडी है बहुत ही ड्यूरेबल है। रोमैन थोर के पास एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग आर्मी है और उस आर्मी के बेस पर रोमैन थोर को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उस आर्मी के बेस पर रोमैन थोर बन जाता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर। रोमैन थोर की हीलिंग पावर बहुत ही पावरफुल है क्योंकि रोमैन थोर के अगर फाइट के बीच में बॉडी डैमेज हो जाए तो रोमैन थोर बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है और रोमैन थोर का जो हीलिंग फैक्टर है बहुत ही गुड है। रोमैन थोर की हीलिंग पावर बहुत ही पावरफुल है और रोमैन थोर अपनी बॉडी पर बहुत ही हैवी से हैवी वेट को बहुत ही आसानी से लिफ्ट भी कर सकता है और रोमैन थोर इतना ज्यादा पावरफुल है गैलेक्सीज को क्रिएट भी कर सकता है डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं अगर दोनों में फाइट कराएं तो कौन होगा इस फाइट के विनर। हमें दोनों की पावर्स और एबिलिटीज का पता लगा चुके हैं कि दोनों बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं लेकिन इन दोनों में मरेगा कोई भी नहीं क्योंकि दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो मॉडल कैरेक्टर हैं और इस फाइट का जो विनर होगा वो है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन क्योंकि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन फोर्थ डायमेंशन बींग है और रोमैन थोर जो है थर्ड डायमेंशन बींग है और थर्ड डायमेंशन चीज़ों की फोर्थ डायमेंशन पर कोई भी असर नहीं होता है इसलिए इस फाइट के जो विनर होगा वह कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। वैसे आपको लगता है रोमैन थोर ज़्यादा पावरफुल है कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन से या फिर नहीं? आपको इन दोनों में कौन मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपका ओपिनियन पढ़ना जरूर चाहूँगा। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब हमारी यूट्यूब फैमिली का बन जाओ और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब टू रूस प्लान। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।